इस वीडियो में मैं वो आइडिया बताने वाला हूँ जो मैंने अपने चैनल पर यूज करके अपने 4000 घंटे कंप्लीट कर, और साथ में ये दावा करता हूँ कि अगर आप इसे अपने चैनल पर यूज करोगे तो हो सकता है कि आपके 20 से 30 दिन के अंदर आपका अपने 4000 घंटे का टारगेट इजी पूरा हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि ये ना तो कोई थर्ड पार्टी ऐप है और ना ही कोई वेबसाइट है। यहाँ पर हम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपने वॉच टाइम को अर्न करते हैं, वो भी अपनी मेहनत पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन यूट्यूबर्स की जिनके एक साल होने वाले हैं पर अभी तक उनके 4000 घंटे कंप्लीट नहीं हुआ। इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको अपने YT स्टूडियो पर लेकर चलता हूँ। सो गाइज, मैं आपको अपने YT स्टूडियो पर लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देखो, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जब मैंने YouTube चैनल क्रिएट करा था। उसके बाद 19 अगस्त को मैंने फर्स्ट वीडियो डाला और उसके बाद मैं अपनी वीडियोस को डालते गया, लेकिन कोई फायदा मुझे नहीं हुआ। अब जैसे कि अगर आप न्यू चैनल पर ओल्ड वीडियोस डालोगे तो भला कौन देखेगा। तो इसी तरह से मेरा भी चैनल ग्रो डाउन होने लगा, क्योंकि मेरे पास भी जितनी भी वीडियोस है सारी की सारी पुरानी है। लेकिन मैंने जैसे भी ट्रेंडिंग वीडियो की सुनी कि अगर आप अपने चैनल पर ट्रेंडिंग वीडियो अपलोड करोगे तो आपको इंस्टेंट व्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तब जाकर मैंने गूगल क्रोम पर एक ऐसा ऑप्शन देखा जिसमें आपको काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाती है। और हाँ, मैं गूगल ट्रेंड की बात नहीं कर रहा। और जैसे ही मैंने इस ट्रिक को यूज करा, सो आप वीडियो देख सकते हैं, ये लास्ट वीडियो मैंने 4 सितंबर को यहाँ पर डाला। उसके बाद जैसे ही मैंने उस ट्रिक को यूज करा अपने चैनल पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अपने 5 सितंबर के बाद से आपको दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे आप देखो कि मेरे चैनल पर ग्रोथ होती गई है, व्यूज आते गए हैं और व्यूज इंक्रीज होते गए हैं, जिसके जरिए मेरे वॉच टाइम कंप्लीट हो गए। ये सभी वीडियो की टॉपिक मैंने वहीं से ली थी। इसी तरह मैंने कुछ वीडियो की वहां से टॉपिक कवर किया और सारे के सारे एक स्क्रिप्टिंग की, और उसके बाद अपनी वीडियो चैनल पे वीडियोस अपलोड करते गया, और उसके बाद मेरा बस चैनल मोनेटाइज के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे वॉच टाइम कंप्लीट हो चुके थे। अब मैं वो ट्रिक बताने वाला हूं जो चीज़ मैं अपने चैनल पे यूज करता आया हूं और अभी भी कर रहा हूं। इस ट्रिक के लिए आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में 3 डॉट का आइकन दिख रहा होगा, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर आपको न्यू इंस्टॉल योर विंडो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है गूगल। गूगल टाइप करने के बाद आपको इंटर पे प्रेस करना है। अब जैसे ही आप इंटरफेस प्रेस करोगे, एक गूगल का यहाँ पर पेज आ जाता है, ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अपने माउस को यहाँ लेके जाना है और एक बार क्लिक करना है। सो जितनी भी ट्रेंडिंग टॉपिक है बिल्कुल आपके सामने आ जाते हैं। ये जितनी आप देखो यहाँ पर ट्रेंडिंग, मतलब कि हाई लेवल पे ये सारी की सारी सर्च हो रही है, जितनी भी टॉपिक है 24 आवर से लेके 12 आवर या फिर मतलब अगर 12 घंटे के अंदर में और भी जो भी मतलब यहाँ पर ट्रेंड में चल रही है गूगल के ऊपर में, यूट्यूब के ऊपर में। सो आपके सामने सभी के सभी आ जाते हैं यहाँ पर। आप इसके ऊपर में वीडियोस बना लो, मतलब जो टॉपिक अभी ट्रेंड में चल रही है वो सामने आपकी आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि हर बार आपको सेम टॉपिक मिलेगी, हर बार आपको चेंज टॉपिक मिलेगा जब तक कि कोई ट्रेंडिंग टॉपिक ना आ जाए। तो यहाँ से अगर आप टॉपिक डेली की अगर एक कवर भी करते हो तो भी आपके पास कंटेंट के लिए कमी नहीं होगी। आपके वीडियोस के लिए इतनी सारी टॉपिक डेली मिल जाएगी। हो सकता है कि आपके पास वीडियो बनाने का टाइम ना हो, लेकिन यहाँ टॉपिक की कमी नहीं होगी। हाँ, अगर आपका नया चैनल है और आपके पास व्यूज नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको इस चीज का यूज करनी चाहिए अपने चैनल पर। मानता हूँ ये चीज की हर वीडियो पे व्यूज नहीं आती, बट लेकिन वो जो वीडियो आप अपलोड करोगे वो आज नहीं तो कल वो वीडियो उसके अंदर में व्यूज आनी आनी है। सो अगर ट्रेंडिंग पे काम करना है तो आपको यहाँ से करना ही पड़ेगा। और नए चैनल व्यूज नहीं आ रहे हैं आपको, तो यहाँ से आप डेली या वीडियो बना रहे हो ना, हर रोज तो एक ना एक वीडियो बना रहे हो लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। आप 15 से 20 दिन यहाँ से वीडियो बना के देखो आपके चैनल का ग्रोथ, उसके बाद 15 से 20 दिन का आप चैनल देखो, उसके बाद यहाँ से आप एक बार अपने चैनल का एनालिटिक करके देख लो, फर्क पड़ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने चैनल पे कितना मेहनत किया है और इस टॉपिक से अगर वीडियो बनाते हो, इस टॉपिक से वीडियो बनाते हो तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, वो आपके चैनल के एनालिटिक्स में पता ही चल जाएगा। मान के चलो आप 5 वीडियो अगर 15 दिन में भी बनाते हो ना, तो भी आपके 10 वीडियो वहां जो पुराने 10 वीडियो बनाए हो ना, उसके बराबर में ये दुगना जाएगा। अब आप किस तरह से अपने वॉच टाइम कंप्लीट करोगे, किस तरह से आप इसे यूज करोगे, वो चीज मैं आपको बताता हूं। गाइस, किसी भी बड़े यूट्यूबर से आप पूछना अगर आप स्टार्टिंग में 4000 घंटे को कंप्लीट करना चाहते हो, तो वो आपको हमेशा यही राय देगा कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियोस अपलोड करो। लेकिन जब हम ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करते हैं तो ट्रेंडिंग टॉपिक जो मिलती है उस पे ऑलरेडी या तो वीडियो काफी ज्यादा बनी रहती है या फिर हम उस पे बना ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक आपको मिल रही है, इन सभी टॉपिक पे आप वीडियो बना लोगे। जैसे मान लो आपका कोई चैनल टैक्स है तो आप इन टॉपिक पे वीडियो बना सकते हो। जैसे OnePlus Note CE की आप वीडियो बना सकते हो, है ना, या उसके बाद Vivo Y7 III Price, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अभी, तो ये ट्रेंडिंग में है। अब जैसे मान लो इसके बारे में मुझे वीडियो बनाना है, ठीक है, अब मुझे कंटेंट चाहिए इसके बारे में। तो कंटेंट के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर में हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, तो लो जी आपके सामने ये सारे के सारे इनके प्राइस लिस्ट से लेके सभी के सभी इनके डिटेल्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो 23 घंटे पहले इन्होंने वीडियो अपलोड करा है कोई चैनल है, उसके बाद यहाँ पर देखो 6 घंटे पहले वीडियो इन्होंने अपलोड करा है,
उसके बाद 2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड करा है। कहने का मतलब ये है कि इस पे आपको ट्रेंडिंग वीडियो मिल जा रही है, यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग वीडियो मिल जा रही है, पूरी की पूरी जितनी भी है ना ट्रेंडिंग, आप यहाँ पर देखो 6 घंटे 23 घंटे 2 दिन पहले। और अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो ग्रो करेगा ही करेगा। तो आपको मान लो स्क्रिप्ट लिखनी है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इसके अंदर में जितने भी आपको डिटेल्स चाहिए आपके स्क्रिप्ट के लिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस वेबसाइट से आप ले लो, क्योंकि ये तो प्रमोशन के लिए है, ये तो अपनी सेल के लिए है, तो यहाँ से इन्वाकर इनकी आप फोटोज़ भी लेते हो अपने वीडियोज़ में, तो कोई कॉपीराइट का झंझट भी नहीं है। उसके बाद आपको सारी के सारी अपनी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिख लेनी है, ये सारे के सारे टैग्स भी आपके बन जाएंगे यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कितने वेट है, बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, ब्रांड कौन सा है, रेट इसका कितना है, प्राइस। अब ये रिलीज डेट कब है, 10 जून 2021 को ये रिलीज़ हो रही है, मतलब आज के दिन में। तो ये ट्रेंड है, मतलब इसके अंदर जितने भी फीचर्स दिया हुआ ये सारी चीज़ आप अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हो। हालांकि जब तक ये कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में नहीं आता तो लोग उसके बारे में क्लिक जरूर करते हैं। इस ट्रिक पे आप जरूर फोकस करो, आप इसके जरिए आप अपनी वीडियोस पर अपलोड करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप 5-6 वीडियो बना के देखो, अगर व्यूज नहीं आए तो फिर आप बताना। बस आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि आपको इसकी वीडियो बनाने के लिए आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट जरूर लिख लेनी है, क्योंकि आपके पास वो कॉन्टेंट मिल गया है, आपको कॉन्टेंट की कमी नहीं है। आपको कॉन्टेंट हमने यहाँ पर बता दिया कि कॉन्टेंट कहाँ से मिलेगा, एंड यहाँ पर जो टॉपिक आपको मिलेगी ना उस पर सर्चेस लाखों में आएंगे। ये मान लो वीवो Y73 प्राइस जो भी है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और YouTube पे एक बार जाते हैं, ठीक है। अब YouTube पे आने के बाद ना यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, जो हमने वहाँ से टाइटल लिया था। उसके बाद हम यहाँ इंटर पे प्रेस करेंगे और देखेंगे उसके अंदर कितनी व्यू। आप देखो यहाँ पर 23 घंटे भी अभी वीडियो के नहीं हुए अपलोड करे हुए, और यहाँ पर 24,000 के व्यू आ गया, यहाँ पर 2,000 के व्यू आ गए। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि आप वीडियोज़ को अपलोड करो अपने चैनल पर, इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक यहाँ से मिल जाती है डेली। आपको एक न एक वेबसाइट मिल जाएगी, एक नया एक टॉपिक मिल जाएगी कि आपके पास कंटेंट, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं, आपके पास कंटेंट ही कंटेंट हो जाएगा। अभी तक आपने ना जाने कितने अपने चैनल पर ट्रिक किए होंगे, पर कोई फायदा नहीं हुआ होगा। तो एक बार आप इसे ट्राई करें, देखो आपका चैनल डेली 100 घंटे से ज़्यादा वॉच टाइम आएगा ही आएगा।